हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास टेंथ के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज से हम एक न्यू सेशन स्टार्ट कर रहे हैं क्लास टेंथ के स्टूडेंटों के लिए। तो मैं आपको बता दूं, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ साइंस, इसका चैप्टर 1 हम पढ़ेंगे, जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये वन शॉट आपका वीडियो होगा, एक ही चैप्टर में, मतलब एक ही वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और हम उन्हीं सभी टॉपिक को आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम संबंधित इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कमेंट किया था, मैंने जब इस पर पूछा था एक वीडियो में कि सर क्या होता है, कैसे मतलब आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक कराया जाए, सभी ने कहा कि यस सर कराइए, तो मैं ये सेशन स्टार्ट कर रहा हूं। तो चलिए जी, एक एक करके ध्यान से आपके समझते हुए चलना है। देखिए, मैंने ईयर तो नहीं लिखा है कि किस किस वर्ष में पूछे गए हैं, बट आप याद रखेंगे ये सभी आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको आपको याद रखना है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, देखिए कह रहा है कि उष्माक्षेपीय, जिसे हम दहन के नाम से भी जानते हैं, तो उष्माक्षेपीय एवं उष्माशोषीय अभिक्रिया क्या क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए, यह हमारा क्वेश्चन है जी। मतलब सिंपल में उष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होता है, उष्माशोषीय अभिक्रिया क्या होता है, इसका आपको परिभाषा बता देना है, उसके साथ साथ इसका उदाहरण आपको दे देना है, ठीक है ना। समझिएगा, एक एक क्वेश्चन को लिखा हुआ है हमने आंसर, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले आप उत्तर डालेंगे यहां पे, उत्तर में क्या लिखेंगे, उष्मा, आप लिखेंगे उष्माशोषी, मतलब उष्माक्षेपीय अभिक्रिया, सबसे पहले आप लिखेंगे उष्माक्षेपीय अभिक्रिया। अब क्या है इसमें, क्या बताया गया, समझिएगा। कह रहा है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा उत्सर्जित होती है, उसे, उस अभिक्रिया को उष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। बात आपको समझ में आया, मतलब कहा जा रहा है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो उष्मा होती है वो क्या होती है, उत्सर्जित होती है। उत्सर्जित का मतलब उष्मा निकलती है, कोई ऐसी अभिक्रिया है जो अगर कराई जा रही है, वो अभिक्रिया हो रही है, तो वहां पर उष्मा क्या होगी, निकलेगी, तो ऐसी अभिक्रिया को उष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहेंगे। बात आप समझे, अभी हम एग्जाम्पल से समझाते हैं तो आपको समझ में आएंगे जी। देखिए जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल हम दे देते हैं, जैसे कि कार्बन हम ले लेते हैं, और कार्बन को ऑक्सीजन के साथ हम क्रिया कराते हैं। तो जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ हम इसकी क्रिया कराते हैं, तो ये क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बना लेते हैं। परंतु जब बनता है ना, तो इसमें से 94 किलो कैलोरी, ठीक है ना, किलो कैलोरी उष्मा क्या होती है, मुक्त होती है। ये बात आप याद रखेंगे जी, ठीक है ना, याद रखेंगे आप। जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, उसके साथ साथ 94 किलो कैलोरी उष्मा क्या होती है, मुक्त होती है। इतनी बात समझ के, दूसरी बात अच्छा एक और बात बता दूं मैं, जहां पर जैसे मैंने तो बता दिया 94 किलो कैलोरी उष्मा निकल रही है, परंतु यदि आपको न पता हो, याद नहीं हो कि कितना उष्मा निकलेगी, बट इतना पता हो कि इसमें उष्मा निकलती है, तो आप इसके जगह पर आप केवल क्यू, इस प्रकार क्यू भी लिख देंगे, तो भी आपका नंबर फुल मिलेंगे जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात आप समझ गए ना, चलिए जी, चलिए दूसरा हम बताते हैं। जैसे दूसरा में मान लेते हैं हाइड्रोजन के यहाँ पे H2O के दो अणु हम ले लेते हैं, और इसको ऑक्सीजन से हम क्रिया करा देते हैं। तो जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करता है, तो यहाँ पे हमारा दो मात्रा में H2O का निर्माण होता है, ठीक है ना, और प्लस इसमें भी उष्मा निकलती है, तो उष्मा के लिए हमने क्यू का इस्तेमाल यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। परंतु 136.8 किलो कैलोरी उष्मा निकलती है, बट आप लिखना चाहे तो लिख लेंगे, या आप क्यू भी लिख लेंगे, ठीक है ना, 136.8 किलो कैलोरी उष्मा यहाँ पे निकलती है, तो ये क्यू की जगह पे इतना भी लिख सकते हैं, या क्यू लिखेंगे तो भी चलेगा। इतनी बात समझ के ना, तो यहाँ पे यही कहा गया था, क्या कहा गया था मैं आपको बता दूं यहाँ पे कहा गया था कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो उष्मा होती है वो उत्सर्जित होती है, निकलती है, तो उस अभिक्रिया को उष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं।
दूसरा हमारा आता है जो है उष्माशोषीय अभिक्रिया। अब देखिए उष्माशोषीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा उत्सर्जित होती है, उष्मा को उत्सर्जित करता है लेता है, सॉरी अवशोषित करता है, उत्सर्जित नहीं अवशोषित करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दिया गया है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा क्या होती है अवशोषित होती है, अवशोषित मतलब एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया को उष्माशोषीय अभिक्रिया कहते हैं, देख रहे हैं ना, शोषीय अभिक्रिया मतलब सोखने वाला, ठीक है। मतलब अभी आपको एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूँ तो आपको आसानी से समझ में आएगा, बस इतना बात समझिएगा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा क्या होती है अवशोषित होती है उसे हम क्या कहते हैं, उष्माशोषीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको बता दूँ, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया फास्फोरस पेंटा क्लोराइड को ले लेते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, ये जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड उष्मा लेता है, ये क्या ले रहा है उष्मा, इसको हम जब देते हैं गर्म करते हैं उष्मा देते हैं, तो ये जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और यहाँ से दो मात्रा में क्लोरीन निकल जाती है। तो याद रखेंगे ये बात याद रखेंगे, जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को हम उष्मा देते हैं, जब इसको हम उष्मा देते हैं तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में टूट जाता है और क्लोरीन में टूट जाता है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इसमें उष्मा क्या ले रहा है अवशोषित कर रहा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बात आप समझ ही गए होंगे। देखिए इसमें ये अभिक्रिया हो रही थी, उष्मा निकल रही थी, और ये अभिक्रिया कब हो रही है, जब उष्मा ये खुद ये जब उष्मा ले रहा है तब जाकर ये अभिक्रिया होगी। बात आप समझ के होंगे, पहला हमारा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है, इतना लिख देंगे आपको नंबर जो होंगे वो मिल जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे अभी बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए जी चलिए, बहुत अच्छी बात है। दूसरा अब हमारा अगला आता है जो है रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए, ठीक है ना। मतलब हमसे क्या पूछ लिया, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है ये हमें बताना है। तो कह रहा है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया मतलब अभिक्रिया दोनों एक साथ होती है, तो उस अभिक्रिया को उष्माक्षेपीय देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया गया है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है ना। यहाँ पे आपको दिखाई दे ही रहा है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मतलब समझ गए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो रही हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे जी। बात आप समझ गए। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल से बता देते हैं आपको, जैसे यहाँ पे हमने कैल्शियम ऑक्साइड को ले लिया, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड को ले लेते हैं, और इसको जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं, ठीक है ना, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोजन से क्रिया कराया जाता है तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से ये O है, ये हाइड्रोजन से साथ जुड़ जाता है, तो यहाँ पे Ca+H2O बना देते हैं। बात को आप समझिएगा क्या हो रहा है यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ से हाइड्रोजन आपस में ऐड होकर H2O, तो H2O बना देते हैं, उसके साथ साथ Ca जो कैल्शियम है ये यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ पे कैसे ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया हो रही है। तो ऑक्सीकरण की क्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है। तो यदि आप यहाँ पे देखें तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन है नहीं है, परंतु यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया है। यहाँ पे क्या आ गया है, पहले तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं नीचे ऐसे करके ही लिख दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं था, बट यहाँ पे तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गया है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो अभिक्रिया हुई है वो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हुई है, ठीक है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हुई है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का संयोग हुआ है, ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का संयोग हुआ है, परंतु यहाँ पे देखिए कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन था, परंतु यहाँ पे कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का, यहाँ पे कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन का वियोग हुआ है, तो जहाँ पर ऑक्सीजन के साथ वियोग होता है उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं।
तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है तो अपचयन अभिक्रिया हो रही है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है। इसीलिए कहा जाता है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचय दोनों की क्रियाएं एक साथ हो रही हों, तो ऐसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बात आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो ये आप लिख लेंगे, इतनी बात ये आपको मैंने केवल समझाने के तौर पे लिखा हुआ है। मैं एक बार और लिख दे रहा हूँ। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को H2O के साथ क्रिया कराते हैं तो यहाँ पे कैल्शियम प्लस H2O का निर्माण होता है, ठीक है। इतनी बात समझ गए ना। और एक बात नोट्स में हमने लिखा है कि इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, ठीक है। अगला हमारा आता है फिर से कि संक्षारण पर टिप्पणी लिखिए। अब संक्षारण क्या होता है इसको समझिएगा। तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीसरा हमारा VBI क्वेश्चन, ध्यान से आप समझेंगे। चलिए जी, देखिए यहाँ पे कहा गया संक्षारण क्या है, संक्षारण पर टिप्पणी लिखना है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें धातु, जो धातु होता है वो नमी तथा वायु के साथ क्रिया करके धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण का सिंपल सा मतलब है जंग लगना, ठीक है ना। जैसे लोहे में जंग लग जाता है, ठीक है ना, आप जंग लगना देखे ही होंगे, जंग किस प्रकार लगता है। जैसे मान लेते हैं कोई भी लोहा है तो वो लोहे पे जंग लग जाता है, या आप देखेंगे कोई भी खिड़की है तो वहाँ पे खिड़की के पास जो लोहे का कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगा होगा तो वहाँ पे देखेंगे उसको पेंट ना किया जाए तो उसमें जंग लग जाता है, ठीक है ना। तो जंग लग जाते हैं और धीरे धीरे वो जंग लग के ख़राब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो वही जंग लगना ही है। तो वही बात कहा जा रहा है संक्षारण का। सिंपल से यहाँ पे क्या लिख दिया गया है, संक्षारण का परिभाषा यहाँ पे लिखा गया है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें धातु जो होता है वो नमी और वायु की उपस्थिति में, नमी व वायु के साथ क्रिया करके क्या कर देता है, धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। मतलब जो धातु है वो किस तरीके से नष्ट होता है, तो नमी, जब उसको पानी मिलेगा और वायु मिलेगा, जब साथ साथ ये दोनों मिलेंगे तो वो नष्ट होने लगेगा, वहाँ पे संक्षारण की प्रक्रिया होने लगेगी, ठीक है ना। तो यही बात लिख देंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें धातु नमी तथा वायु के साथ क्रिया करके धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, तो उस अभिक्रिया को या उस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं, ठीक है जी। अगला आता है संक्षारण से बचने का उपाय। अब इसके बचने का क्या उपाय है समझिएगा। पहला आता है धातु के, पहला यहाँ पे क्या है, धातु को पेंट करके, जो धातु होते हैं उसको अगर हम पेंट करते हैं तो उससे उसको बचाया जा सकता है। दूसरा आता है धातु के ऊपर जो ग्रीस होता है, ग्रीस को भी लगाकर हम धातु को संक्षारण होने से बचा सकते हैं, जंग लगने से बचा सकते हैं। अगला आता है धातु के ऊपर जस्ते की पतली परत चढ़ाकर, धातु के ऊपर जस्ते के हम पतली सी परत चढ़ा देंगे तो भी वहाँ से बच जाएगा जी। तो ये तीनों तरीके हैं, ज़्यादातर सबसे सस्ता हमें पेंट करके ही पेंट मिलता है, तो पेंट से ही हम उसको बचाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। घरों में मान लेते हैं दरवाजे लगे हुए हैं तो वहाँ पे पेंट किया जाता है, ठीक है ना। तो पेंट करने का यही मकसद नहीं होता है केवल कि वो सुंदर दिखे, बल्कि पेंट करने का एक और मकसद होता है कि वो जंग ना लगे और उससे वो बचाया जा सके, ठीक है ना, ये बात है। चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए। चलिए जी, तीन क्वेश्चन हमने देख लिए, अभी बहुत सारे क्वेश्चन देखना है। अगला आता है हमारा चौथा क्वेश्चन जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है अभी ना हमने जाना, ठीक है, पर फिर भी देख लेते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का मतलब कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, संयोग होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नॉर्मल से सिंपल सी बात है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होगा, ऑक्सीकरण का संयोग होगा, उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल से आपको दो तीन एग्जाम्पल दे दे रहा हूं। जैसे यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लिया और इसको ऑक्सीजन के साथ हम क्रिया करा देते हैं, तो जैसे ही ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो ये जल का निर्माण कर लेता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन था, दोनों आपस में जुड़ गए हैं ना, तो यहाँ पे जल का निर्माण कर दिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण का संयोग होता है, मतलब जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ गया हाइड्रोजन के साथ, तो ऐसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं।
दूसरा आता है कि कॉपर को और ऑक्सीजन को, कॉपर के दो अणु लेंगे, ऑक्सीजन के दो अणु, इसकी अगर हम क्रिया कराते हैं तो यहाँ पे हमें दो मात्रा में कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी ऑक्सीजन कॉपर के साथ जुड़ गया है। मैं आशा करता हूँ समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़े जी, ऐसे ही होती है ऑक्सीकरण की अभिक्रिया पर टिप्पणी आप लिख लेंगे, परिभाषा लिखने के बाद नीचे ये रिएक्शन लिख लेंगे। ठीक, अगला हमारा आता है जो है संकलन अभिक्रिया। अब आप समझिएगा, देखिए संकलन अभिक्रिया क्या होता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, जिसमें क्या कहा जा रहा है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के अणु आपस में मिलकर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ बनाते हैं, तो उसे संकलन अभिक्रिया कहते हैं। बात आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के अणु आपस में मिलकर, ठीक है ना, अणु आपस में मिलकर केवल एक प्रकार के अणु का निर्माण करते हैं, उसे संकलन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बहुत सारे इस प्रकार अणु आपस में मिलकर, ये सब्सट्रेट, ये अणु है और ये भी अणु है, तो जब बहुत सारे अणु आपस में मिलकर एक बहुत सारे बड़े अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो ऐसे अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संकलन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, जैसे जैसे एग्जांपल से मैं आपको दे दे रहा हूं, जैसे यहां पे हमने एक एग्जांपल में यहां पे ले ले रहा हूं, जैसे दो मात्रा में NaCl को ले लिया और यहां पे दो मात्रा में Na को ले लिया और इसको क्लोरीन Cl2 के साथ हमने क्रिया करा दिया। ठीक है, Na जो सोडियम है ये भी एक प्रकार का अणु है, सोडियम का एक अणु है, दो अणु हमने ले लिया, क्लोरीन के भी दो अणु हमने ले लिए हैं, तो जब दो अणु आपस में मिलकर आइए क्या बनाते हैं, NaCl का निर्माण करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये एक संकलन अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार आप बहुत सारी चीज़ों का दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, ऐसे ही आप और भी चीज़ों का दे सकते हैं, जैसे सोडियम को हमने ले लिया, ठीक है ना, और सोडियम को हमने हाइड्रोक्साइड से क्रिया करा दिया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराकर Na सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हम करा देते हैं, ये भी आपका संकलन अभिक्रिया होगा। इसमें क्या कहेंगे, जब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अणु आपस में मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं या एक ही प्रकार के अणु का निर्माण करते हैं, संकलन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, परिभाषा समझ लिए, एग्जाम्पल आपके पास है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है जो है वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया क्या होता है समझिएगा, ऐसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें एक अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जस्ट इसके उल्टा है, वियोजन अभिक्रिया का मतलब क्या है, रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक अणु है, जिसमें ये कोई एक अणु है, ठीक है, और जिसमें कोई एक अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, ठीक है ना, दो या दो से अधिक सरल अणुओं में इस प्रकार टूट जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहेंगे जी। ठीक है ना, आपको ये बातें याद रखना है। एक और बात याद रखेंगे, यहाँ पे उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है एग्जाम्पल। अब उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, मैं सिंपल से आपको अभी बताऊंगा, ठीक है ना, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को हम ले लेते हैं, ठीक है ना, अब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को ले लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को हम गर्म करेंगे तो ये PCl3 और Cl2 में टूट जाता है, ठीक है ना, इस प्रकार टूट गया, तो ये जो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये एक वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। कैसे, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, तो वही बात हमने जो भी यहाँ पे लिखा जा रहा है सब यहीं से आपको लिखा जा रहा है। ठीक है ना, अब एक बात आता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होता है, तो देख रहे होंगे आप इस प्रकार डबल आपको चिन्ह आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका मतलब यही है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जहां पे ऐसे आपको चिन्ह दिखाई देना तो आप समझ जाइएगा उत्क्रमणीय अभिक्रिया है।
अब इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है वो भी जान लीजिए। इसका मतलब सिंपल सी बात यह है कि यदि PCl5 को 5 से ये दो अणु बने हैं, ठीक है ना, मतलब इससे ये दोनों बने हैं, परंतु बाद में अगर हम चाहें तो इन दोनों को मिलाकर भी हम ये बना सकते हैं, ठीक है। यही होता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिससे इससे तो ये बन गया परंतु इन दोनों को फिर से मिलाकर हम चाहें ये बना लेना तो नहीं बन पाएगा। जैसे दूध से तो दही बन सकता है पर दही से दूध बना पाएंगे नहीं ना, ऐसे ही बहुत सारी अभिक्रियाएं होती हैं। बट ये क्या है, सिंपल सी है कि इसमें जब कोई एक अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, मतलब इससे ये बना है इससे ये भी बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए जी अगला आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है समझिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तो उस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब आपने समझा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच, जो अभिकारक होते हैं उनके बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। अब समझिएगा, जैसे हम एग्जांपल यहाँ पे लेकर सिंपल सा आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर जैसे हमने NaCl ले लिया, ठीक है ना, जैसे सिंपल सी बात है, जैसे हमने NaCl ले लिया और इसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ हम क्रिया कराएंगे, ठीक है, AgNO3 के साथ हम क्रिया कराते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो यहाँ पर AgNO3 के साथ अगर हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ हम क्रिया कराते हैं तो देखिए क्या बनता है। देखिए इतनी बात हम जानते हैं, इस पर प्लस होता है, इस पर माइनस, Na पर प्लस, Cl पर माइनस होता है, इस पर भी क्या होता है इस पर प्लस होता है, इस पर माइनस होता है, इतनी बात हम जानते हैं। तो देखिए हम इतनी बात जानते हैं, प्लस वाला माइनस को आकर्षित करेगा तो ये जो Na है वो NO3 को आकर्षित करेगा और जो Ag है वो Cl को आकर्षित करेगा तो ये क्या बनेंगे, NaNO3 और प्लस AgCl, ये बनेंगे जी। तो इतनी बात आप समझ जाइएगा कि NaNO3 बन गया है, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, फिर से AgSilver जो सिल्वर क्लोराइड यहाँ पे बन गया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आयनों का ही आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है ना, देख ही रहे हैं, इसके आयन जो है वो इस आयन के साथ जुड़ गए हैं, ये जो है ये इस आयन के साथ जुड़ गया है, ठीक है। तो ये बात है, तो यही बात कहा जा रहा है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों, ये जो अभिकारक है, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, इसके आयन इसके साथ जुड़ गए हैं तो आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं जी। तो इस परिभाषा को लिखने के बाद ये आप एग्जांपल लिख लेंगे, काम आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना, सिंपल सा है। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है हमारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम विस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या कहा जाता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज को उसके स्थान से हटा देता है तो उसे विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। का मतलब, कहने का मतलब क्या है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक स्पीसीज है दूसरे स्पीसीज को उसके स्थान से हटा देता है। अच्छा, एक शब्द आया है स्पीसीज। स्पीसीज का मतलब क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, स्पीसीज का मतलब होता है परमाणु, या हम कह सकते हैं अणु, या हम कह सकते हैं आयन, ये तीनों होते हैं जी। बात आप समझ गए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक स्पीसीज, स्पीसीज का मतलब परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन हो सकता है, ये सभी क्या होंगे, ये एक स्पीसीज हो जाएंगे। अब हमें ये समझना है कि कोई एक स्पीसीज है वो दूसरे स्पीसीज को उसके स्थान से हटा दे रहा है तो ऐसी अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे जी, ठीक है। जैसे यहाँ पे CH4 मेथेन को ले लेते हैं और Cl2 के साथ हम इसकी क्रिया करा देते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हमने मेथेन को ले लिया और Cl2 के साथ हम क्रिया करा देते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या करता है, अगर मैं थोड़ा सा इसको लिखूँ तो देखिए यहाँ के एक क्लोरीन यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल देता है, ये जो क्लोरीन है ये निकाल देता है तो यहाँ पे क्या बनता है, CH3Cl बन जाता है और प्लस HCl बन जाता है, ऐसे होता है।
नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाऊंगा जी, रिएक्शन को मैं समझाऊंगा, ये मेरा काम है, मैं इसको समझाऊंगा, ये सीएल है। देखिए इसी को मैं यहाँ पे थोड़ा सा विस्तार करके बता रहा हूँ। सी एच फोर है, कार्बन एक है, हाइड्रोजन यहाँ पे चार है, तो सी एच फोर को हम चाहें तो एच थ्री और फिर से एच लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तीन एच, यहाँ पे एक एच, चार एच हो गए, तो सी एच फोर तो अभी भी है, तो ऐसे हमने लिख दिया। अब देखिए ये जो सी एल है, तो सी एल को दो बार में हम सी एल लिख सकते हैं, अभी भी ये दो सी एल ही है, सी एल टू ही है ना। चलिए अब इसमें क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो क्लोरीन है ये जाता है इस हाइड्रोजन को अपने स्थान से हटा देता है, मतलब जब कोई एक स्पीसीज किसी दूसरे स्पीसीज को उसके स्थान से हटाकर स्वयं आ जाता है, ठीक है ना। तो ये जो क्लोरीन है ये जब इसके पास आएगा तो ये पहले सी एच थ्री तो पहले से था और ये क्लोरीन इसमें ऐड हो गया, तो ये सी एल यहाँ पे ऐड हो गया है। अब ये जो हाइड्रोजन है ये हटा है तो ये जाकर क्लोरीन, इस वाले क्लोरीन से क्रिया कर लिया, तो ये एच सी एल हो गया है। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि ऐसी रासायनिक, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक स्पीसीज किसी दूसरे स्पीसीज को उसके स्थान से हटाकर स्वयं आ जाता है, तो उस अभिक्रिया को ही हम प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वही बात लिखा गया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक स्पीसीज किसी दूसरे स्पीसीज को उसके स्थान से हटा देता है, तो उस अभिक्रिया को विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ गए होंगे। चलिए जी अब देखिए ये हमारा अंतिम टॉपिक था, जो कि यहाँ तक इस चैप्टर में इतना आपको परिभाषाएं, नियम, ये सब कुछ याद करना है, ठीक है, यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है। अंत में मेरा एक नियम आपको मैं बता दूँ, ये आपको सीखना अनिवार्य है, जो मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। ये क्या है कि मैं आपको बता दूँ, ये है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। अब रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार संतुलित किया जाता है ये आपको सीखना है। तो मैंने इस पर पर्सनली वीडियो पहले ही बनाया हुआ है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे देखेंगे। आप लिखिएगा, क्या लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करें ब्रदर सर, इतना लिखकर आप सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पर, वीडियो इस पर हमारा पर्सनली है, मिल जाएगा, वहां से इसको सीख लीजिएगा। तो ये चैप्टर आप पूरी तरीके से, मैं कह रहा हूँ कि ये जो चैप्टर है ये पूरी तरीके से, अब ये पहला हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट होता है। तो इतना था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको हमने प्रयास किया है कि आसानी से आपको समझ में आ जाए। अदरवाइज मैं यही कहूंगा, यदि सच में आपको इस वीडियो से सीखने को मिला हो, कुछ हेल्प मिला हो, तब जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी क्लास इसका लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है ना, एक न्यू सेशन वन शॉट का मिल जाएगा। शायद आप कुछ दिन बाद ये वीडियो देख रहे होंगे, आगे के बहुत सारे चैप्टर हमने पढ़ाई करा भी दिए होंगे, तो अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा कि साइंस वन शॉट का, तो उसको आप क्लिक करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट अपना दूसरा चैप्टर पे, ठीक है ना, उसको हम देखेंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।